जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन माने आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मैं ऐसे जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी प्रकार की जानकारी कोई भी नहीं बताने वाले। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी श्रावण माह कृष्ण पक्ष की तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर को कामिका एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से 18 से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और वृत्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होता है। ऐसे में इस साल कामिका एकादशी 31 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, एकादशी के दिन करें का ये अचूक उपाय और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है, सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्रीहरि सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर ये उपाय जरूर करना चाहिए जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगा ले। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लग जाता है। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर से उपाय जरूर करना चाहिए जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मनोकामना पूर्ति के लिए घर में पैसा बरसाने के लिए अब घर में ऊपर से पैसा नहीं बरसेगा, आपके घर में पैसे आने का मार्ग खुलेगा और बहाने मार मार करके किसी न किसी माध्यम से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये उपाय को करने के बाद दोस्तों, सर्वप्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेना है जैसे कि हमने वीडियो में लेकर के रखी है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको 5 मिठाई लेनी है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दुकान में जो नॉर्मल किराना के दुकान में मिल जाती है वह मिठाई भी ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। पंचभोग इसे हमारे धर्म शास्त्र में बोला जाता है, तो 5 प्रकार की आपको मिठाई लेना है। दूसरी चीज लेना है आपको एक लोटा जल।
एक लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, तो आपको ये दोनों चीजों को, ये पांच प्रकार की जो आपने मिठाई रखी है, ये पीपल के पत्ते में ये पांच प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष में। पीपल के वृक्ष में कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है, ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे में जाना है, तो आपको पीपल के वृक्ष को निवेदन करना है कि हे पीपल वृक्ष, या फिर हे वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, मेरी गरीबी हटाइए, मेरे दीन दुख हटाइए। जैसे दुकान धंधा चौपट हो गया है, नहीं चलता है, बंद हो गया, दुकान धंधा नहीं चलता, तो मेरी दुकान धंधे में चलना जो है फिर से अच्छे से प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो बोलना है कि महाराज, हमारे घर में पैसे नहीं आते, हे माँ लक्ष्मी, हम आपको ले आने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चलें, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है। तो आपको करना क्या है, एक लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डालना है। ये उपाय शाम के समय में करना है, ध्यान से सुनिएगा, और सूर्य अस्त से पहले ये उपाय करना है तो शाम के समय में करना है। एक लोटे जल को उसकी जड़ में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना है। जैसे कि आप बोलना कि हमारे जो है दुकान में बिक्री हो जाए, या फिर हे माता, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाए, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। कोई भी समस्या हो, वो समस्या बोलते हुए आपको एक लोटा जल इसमें चढ़ाना है, पीपल की जड़ में। दूसरा आपको करना है, पांच प्रकार की जो मिठाई रखी है माँ लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही पांच प्रकार की मिठाई रखना है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। इस उपाय से स्वयं माँ लक्ष्मी के गण जो होते हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी की जो सेविका होती है, आपके घर में उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देती है। अगर आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है, तो जो सेविका है माता लक्ष्मी की, वो आपके घर में आएंगी, देखेंगी, और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर के बताती हैं कि वास्तव में वो जो मनुष्य आया था, उनके घर में धन की तकलीफ है, माता आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना, कुछ दिनों के भीतर में अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी गरीबी, निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी, जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपकी अच्छी बनेंगी, परिवार जड़ेजा रिश्ते भी जुड़ेंगे, शत्रु परेशान करना चाहता है, शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, पैसे आने का हर मार्ग खुल जाएगा, पैसा आएगा तो आपके घर में टिकेगा भी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर में पैसे आते हैं, लेकिन उड़ जाते हैं, तो आपके घर में पैसे नहीं उड़ेंगे। अगर आपका घर भारी भारी लग रहा है, जैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, लेकिन ये उपाय आपको रविवार को छोड़कर के उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय है। ये उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छा लाभ भी मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके। बस आपको यही पांच प्रकार की मिठाई का चयन करना है, जो नॉर्मल जो किराने की दुकान में मिलती है वो भी मिठाई ले सकते हैं। अगर ये पांच प्रकार की मिठाई नहीं मिलती तो गुड़ ले लेना, या फिर शक्कर ले लेना। इस प्रकार से पांच प्रकार की कुछ भी मीठी चीज लेकर के भी ये उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल ही ये लाभकारी होता ही होता है। तो ये उपाय अवश्य करिएगा, आपकी गरीबी मिटेगी, निर्धनता मिटेगी। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए ये उपाय जरूर करिएगा। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। जय माता रानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।